कर्फ्यू के दौरान लोगों को हो रही समस्याओं से निपटने के लिए स्वारघाट प्रशासन द्वारा एक नई पहल करते हुए एसडीएम कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका नंबर है 01978284094। कोई भी नागरिक रसोई गैस, सब्जी, किराना, तेल, मेडिकल इमरजेंसी या अन्य सेवाओं से संबंधित समस्याएं आने पर कंट्रोल रूम से संपर्क स्थापित कर सकता है। एसडीएम स्वारघाट सुभाष गौतम ने बताया कि कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करेगा और लोग मुसीबत के समय में इस नंबर का उपयोग कर सकते हैं। वहीं किसी भी नागरिक को आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होने में असुविधा हो रही है तो वे इस नंबर पर भी अपनी समस्या को बता सकता है। एसडीएम सुभाष गौतम ने बताया कि लोगों की मूवमेंट काफी रिस्ट्रिक्ट की गई है, कर्फ्यू के पालना के लिए सख्ती बरती जा रही है। लोग सुबह के समय जब कर्फ्यू उठता है, दवाइयां, दूध, सब्जी व गैस एजेंसी में अपने सिलेंडर जैसे आवश्यक वस्तुएं खरीद सकते हैं। उन्होंने बताया कि उपमंडल स्वारघाट के छोटे बड़े कुल 7 बाजारों में कालाबाजारी, ओवर प्रोसेसिंग और जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए 7 नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं, जो बाजार में समय समय पर निरीक्षण करते रहेंगे और जनता की समस्याओं का समाधान भी करेंगे। उन्होंने बताया कि स्वारघाट, धावड़ला, नैना देवी, भाखड़ा, टोबा, जकात खाना, बेहल बाजारों के लिए नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। लोगों की मूवमेंट काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट हुई है, हालांकि उसके बावजूद भी काफ़ी लोग जो है मूव कर रहे हैं, तो सिचुएशन टू सिचुएशन जो है उनके साथ जो भी कानूनन कार्रवाई बनती है वो भी की जा रही है, सख्ती भी बरती जा रही है। कुछ लोगों के जेन्युइन इश्यूज़ भी हैं तो केस टू केस जो है उनको एड्रेस करते हुए उन पर डिसीजन लिया जा रहा है। लोगों की समस्याओं को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि कर्फ्यू लगने के बाद काफ़ी इश्यूज ऐसे होते हैं, जैसा आपको दिख भी रहा होगा कि थोड़ी बहुत कमी जो है एसेंशियल आइटम्स में आई है, खासकर में सब्जी वगैरह, या इनिशियली एक प्रोटोकॉल नहीं बन पाती है कि आपने दूध की सप्लाई कैसे होनी है, जो लोकल लेवल पे डिलीवरी है या सर्विस है वो कैसे एंश्योर होनी है, उसको सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे एक एसडीएम ऑफिस में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जो कि 24 घंटे ऑपरेशनल रहेगा। इसका नंबर है 01978284094। तो इस कंट्रोल रूम में कोई भी समस्या आ रही है उसके बारे में अवगत करवाया जा सकता है, और कोई भी जो जेन्युइन प्रॉब्लम होगी उसके लिए मैं प्रशासन की तरफ से इंश्योर करता हूं कि आपकी समस्या का हम निवारण करेंगे जहां तक संभव होगा। थोड़ी बहुत मुश्किलें जो कोई आएगी उस उनके लिए जो है थोड़ा आपको तैयार भी रहना है। इसके अतिरिक्त कोई जो मेडिकल इमरजेंसी होगी उसमें पुलिस को निर्देश हैं कि मेडिकल इमरजेंसीज में देखते हुए किसी को रोकने, सिर्फ हल्की पूछताछ के बाद किसी को रोकने की ज़रूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त जो एसेंशियल कॉमोडिटीज़ की सप्लाई है, सब्जी है, राशन है, दूध है वगैरह वगैरह, जो भी एसेंशियल कॉमोडिटीज़ है, गैस है, पेट्रोल की, तेल की गाड़ियां हैं, उनको सिर्फ चेक करके आगे जाने देना है, उनमें किसी तरह के पासिस की ज़रूरत नहीं है। लोकल सेल परचेज चाहे दूध का हो या दूसरी चीज़ों का, अगर कोई स्थानीय स्तर पे गाड़ियों के माध्यम से होता है लोकल सेल परचेज, 1-to-1 जो परचेज होता है, डायरेक्ट जो कस्टमर को सेल परचेज होता है, वो 10 से 2 बजे के बीच में ही होगा। बाकी गाड़ियां एसेंशियल जो कॉमोडिटीज़ की हैं वो कभी भी घूम सकती हैं। 7 जगह पे नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, स्वारघाट, ग्वांडल, श्री नैना देवी जी, भाखड़ा, टोबा, बस्सी, जगात खाना, बहल, ताकि इन मार्केट्स में हमेशा नज़र रखी जा सके कि किसी तरह की ओवर प्राइसिंग, कालाबाजारी या कोई जो है एसेंशियल कॉमोडिटीज़ कोई गाड़ियां लेके जा रही हैं उनको तो नहीं रोका जा रहा है, कोई उनको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो वो नोडल अधिकारी जो हमारे कंट्रोल रूम में या मुझे सीधे तौर पे सूचित करेंगे अगर कोई भी जेन्युइन प्रॉब्लम किसी की दूर दराज क्षेत्र में जो है मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल इमरजेंसी और उनको जो है सेवाएं नहीं मिल पा रही है, तो उसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए भी हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ बात की गई है।